जान गई नी ये हो जान, जान गई नी जान, प्यार लिखल नहीं खे हाथ के लकीर में, नहीं खुता कदीर में जान, प्यार लिखल नहीं खे हाथ के लकीर में, नहीं खुता कदीर में जान। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और हाथ के लकीर में सब कुछ नहीं लिखा हुआ होता। यदि आप चाहे तो उस लिखी हुई लकीर को बदल सकते हैं, ठीक है। आप अपने मेहनत के बदौलत, आप अपने परिश्रम के बदौलत, और आप अपनी बुद्धिमानी से, ठीक है दोस्तों। तो हाथ की लकीरों को भी बदला जा सकता है यदि आप दिल से मेहनत करते हैं। तो जिसे पाने की तमन्ना है, यदि उसको पाने के लिए आप दिल से मेहनत करेंगे तो वो चीज़ें आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो मंजिल हो या कुछ और, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे खतरनाक एक्सरसाइज डिफ्रेंसिएशन, जिसका आप लोग को बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे आप लोग कि कब डिफ्रेंसिएशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कब आएगा, बार बार कमेंट कर रहे थे। तो फाइनली आपका जो है इंतजार खत्म हुआ। आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को। देखिए, उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कुछ और चीजें, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको जब डिफ्रेंसिएशन आप बनाते हैं तो आपको चाहिए उसका कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला, दो चीजें। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, काफी खतरनाक होने वाला है। औरों से अलग कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का, और वो भी ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि मात्र 5 से 6 कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन खत्म, ठीक है। 5 से 6 कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सबके सब क्वेश्चन को आप नष्ट नाबूद कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ 5 से 6 कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो आराम से वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है। ऑब्जेक्टिव में भी आपके लिए जरूरी है फॉर्मूला, और सब्जेक्टिव में भी तो जरूरी है ही, क्योंकि बिना फॉर्मूला का काम कैसे बनेगा, है। बिना बंदूक के गोली चलेगा, है, बिना हथियार के युद्ध जीत लोगे, संभव नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम, फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं। इंक इतना ना डाल दिए हैं कि एकदम बोकर रहा है, बोकर रहा है इंक, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो सब करिए, देख 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 तुम लोग के चक्कर में क्या हो रहा है। हाँ एक बात और कहने कह दें कि ना कहें, चलो ना कहते हैं, छोड़ दो, हटाओ, नहीं कहते, तुम लोग खुद समझदार हो। चलिए देखिए, फॉर्मूला डी एक्स के पावर एन बटा में डी एक्स, यानी कोई भी फंक्शन हो, होल पावर वाला होना चाहिए, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, चाहे वो आपका अल्जेब्रिक फंक्शन हो, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, बस वो होल पावर वाला होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले होल पावर वाला का क्रिया होगा, और उसका क्रिया होता है यानी उसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर से गुना करते हैं, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखते हैं, पावर में से एक कम कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला सबका बाप है, ठीक ना, हाँ ये सबका बाप है। यदि कोई भी फंक्शन होल पावर वाला है तो आपको सबसे पहले क्रिया करना है होल पावर वाला का। कैसे क्रिया करना है, तब पावर से गुना करना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, और पावर में से एक घटा लेना है। चलिए अब ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चलेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। आराम से देखते हुए चलिए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, फिर आप देखेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद आता है टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप साथ साथ बोलिएगा भी, ठीक ना, इससे आपको याद हो जाएगा। टेन का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और इसके बाद अगला आपका है कॉट का, कॉट एक्स बटा में डी एक्स, ठीक है। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद आपका है सेक का, सेक एक्स डी एक्स,
यहाँ चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां होगा, ठीक है। सेक का होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। आराम से पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, घबरा कर मत भागिएगा, भागिएगा तो आप समझिए, वो आपकी जिम्मेवारी है, हमको नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। उसके बाद आ जाएगा कॉसेक एक्स का, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, डी एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं डी ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर में ए, या फिर लॉग ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा में एक्स। इसके बाद डी ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स के बराबर, ठीक है। लॉग एक्स का वन बटा एक्स और ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स के बराबर। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े और इनवर्स में चले तो डी साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद डी कॉस इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, तो इसी में सिर्फ माइनस लगा देना है, यानी माइनस वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स का, तो डी टेन इनवर्स एक्स बट्टा में डी एक्स, इसका होता है वन बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद डी साइन कॉस टेन कॉट कॉट इनवर्स एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा डी एक्स, तो इसी में केवल माइनस लग जाएगा, यानी माइनस वन बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट के बाद आता है सेक, तो डी सेक इनवर्स एक्स बट्टा में डी एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा में रूट अंडर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर आपका हो जाएगा डी कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स बराबर होता है आपका, यहां देखिएगा माइनस वन बटा में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो मूल रूप से ये मेन फॉर्मूला इसका है, ठीक ना, जिसको जो आपका कहा जाए तो मुख्य फॉर्मूला, वो मुख्य फॉर्मूला यही आपका इतना है, ठीक है। यहां है आपका कि यदि कोई भी फंक्शन आ जाए, एक्स के जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, और उसका यदि होल पावर में कोई संख्या है तो संख्या को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को झोंकाते हैं और जितना पावर में रहेगा उससे एक कम कर लेंगे, तो होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहां देखिएगा सेक का डिफरेंशिएशन होता है लॉग सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर ए, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन बटा में एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा सेम यही रहेगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा ना, तो माइनस वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां देखिए सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, यहां देखिए वन बटा में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन बटा में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जो मुख्य फॉर्मूला है आपका डिफरेंशिएशन का, वो इतना ही फॉर्मूला है, इतना से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला यही खत्म हो गया, लेकिन आपकी जो जरूरत का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है, जो मुख्य फॉर्मूला है, उसकी चर्चा हम अभी यहां कर लिए। तो ये टोटल फॉर्मूला को लिख लीजिए, इसके बाद आपको बताने वाले हैं मात्र 5 से 6 कॉन्सेप्ट, जो आपके पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को आसानी से बना देगा, और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताकर ही नहीं छोड़ेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट लागू होता है क्वेश्चन पर, ठीक है। दोस्तों जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद चलेंगे कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए देखिए अब क्या करेंगे कि हम लोग
कॉन्सेप्ट को समझते हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। यही 5 से 6 कॉन्सेप्ट आपके पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को बनवाने वाला है, ठीक है। आज तो इसका पूरा बेसिक चल जाएगा, कल से खाली क्वेश्चन है देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में हम बता रहे हैं। कल से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आज कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन देखेंगे और कल सिर्फ और सिर्फ कल से क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। इसलिए ये वीडियो सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कभी भी नहीं पढ़ाया डिफरेंशिएशन को, कुछ भी नहीं पढ़ाया डिफरेंशिएशन में, बस उसके लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो पढ़ लिया है उसके लिए एकदम नया होने वाला है ये। चलिए, क्या ढनड़ ढनड़ कर रहा है, माथा गरम कर देता है। पूरा एकदम बैंड बजबज जाता है, जैसे बराती में जा रहा है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझिएगा कि कोई भी फंक्शन कहने का क्या मतलब है कि फंक्शन आपका या तो होगा अल्जेब्रिक फंक्शन, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यही सब कुछ होगा, यही सब होगा ना। तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन यदि हो और उसमें होल पावर लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया गया हो और उसमें यदि होल पावर लगा हुआ है तो सबसे पहले होल पावर वाला का क्रिया करेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, सबसे पहले होल पावर वाला का क्रिया करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है सबका बाप। ये कॉन्सेप्ट क्या है, सबका बाप। यदि किसी क्वेश्चन में होल पावर वाला आ जाए तो सबसे पहले उसी का क्रिया कर दीजिए आप, ठीक ना, सबसे पहले उसी का क्रियाक्रम करके उसको समाप्त कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सबका बाप है ये। कौन है सबका बाप, तो सभी कॉन्सेप्ट का बाप है कौन, तो होल पावर वाला। कौन है, होल पावर वाला। सुनिए, तो अब क्या करना है कि कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा, कोई भी फंक्शन हो, स्टार का मतलब यहां है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, ठीक है, और यदि उसके होल पावर में कुछ आ जाए, होल पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, कुछ नहीं आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, फंक्शन चाहे कुछ भी हो उसके होल पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए तो हम समझेंगे कि ये होल पावर वाला है। क्या है, होल पावर वाला है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब फंक्शन होल पावर वाला होगा तो आपको इसका इंटीग्रेशन बता दिए हैं कि पावर से गुना कर लेना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख लेना है और पावर में से एक कम कर लेना है, पहले ही बता दिए हैं। लेकिन जब फंक्शन होल पावर वाला होगा तब पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, जो आधार में रहेगा उसी को क्या करेंगे, बट्टा में उतारेंगे। जब फंक्शन आपका होल पावर वाला होगा तो उस समय आपको क्या करना है कि पावर से गुना करना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है और पावर में से एक कम कर लेना है, डिफरेंशिएशन बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जब फंक्शन होल पावर वाला होगा तब बट्टा में किसको उतारेंगे, तब बट्टा में उतारेंगे, पावर छोड़ दीजिएगा, जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में उतारिएगा, ठीक है, पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। दूसरा ध्यान से देखिएगा, देखिए यदि कोई फंक्शन रूट के अंदर है तो एक के बात हुआ ना, रूट माने पावर होता है, बस हो गया, रूट माने पावर होता है, रहने दीजिए। यदि कोई फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और उसमें होल पावर नहीं है, उसमें होल पावर नहीं है, तो आपको क्या करना है कि त्रिकोणमितीय फलन का कोणांक बट्टा में उतारना है। क्या उतारना है, त्रिकोणमितीय फलन का कोणांक बटा में उतारना है। इसके बाद तीसरा, यदि कोई फंक्शन लॉग वाला है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसमें होल पावर नहीं है, ठीक है, होल पावर है तब तो पहले पावर छोड़कर उतारना है, लेकिन यदि होल पावर नहीं है तो लॉग वाला के कोणांक में जो होगा, आम, इमली, कटहर, बरहर, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बहेरा, जो रहेगा लॉग के कोणांक में उसी को बटा में लिखना है, लॉग के कोणांक में जो रहेगा उसी को बटा में लिखना है। इसके बाद अगला चौथा, ई के पावर वाला यदि फंक्शन आ जाए, यदि फंक्शन ई के पावर वाला हो, बात को गौर से समझिएगा, यदि फंक्शन ई के पावर वाला हो यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो
तो जो ई के पावर में रहेगा, जो भी रहेगा ई के पावर में, हाथी घोड़ा ऊंट बहेरा कुत्ता बिलाई कुछ हो, जो रहेगा ई के पावर में उसी को बटा में उतारेंगे। ठीक है, जो रहेगा ई के पावर में उसी को बटा में उतारेंगे। समझ में आ गया? चलिए पांचवा, पांचवा एकदम गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। पांचवा एकदम ध्यान दीजिएगा कि पांचवा क्या है कॉन्सेप्ट, कि जब तक जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब तक बटा में वो नहीं आ जाए तब तक डिफरेंशिएशन करना है। जिसके सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं यदि वो बट्टा में आ जाए तो अवकलज, तो क्रिया रोक देना है, तो क्रिया रोक देना है। ठीक है, जिसके सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं यदि वो बट्टा में आ जाएगा तो क्रिया को क्या करेंगे, रोक देंगे। यानी जो आप डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या करना है, आपको रोक देना है। अभी आपको ये चीजें ऑड टाइप का लग रहा होगा क्योंकि बिल्कुल पहली बार आपके सामने हम लेकर आए हैं, ठीक ना, ऑड टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको जब हम क्वेश्चन पर इसको लागू करेंगे, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, आप कहिएगा कि वाह दिल गदगद हो गया एकदम। ठीक है, लेकिन एक बार और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि फंक्शन होल पावर वाला होगा तब पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसको बटा में उतारेंगे। यदि फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, तो उसके कोणांक में जो रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। यदि फंक्शन लॉग वाला है तो लॉग के जो कोणांक में रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। यदि फंक्शन ई के पावर वाला है तो ई के पावर में जो रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। और सबसे लास्ट में कि जिसके सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं यदि वो बटा में आ जाए तो क्रिया को क्या करना है, रोक देना है। क्रिया को क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, चलिए हाँ एक चीज और, यदि फलन आपका गुना में आ जाए, समझिएगा ठीक से, यदि दो फलन गुना में है तो, हाँ यदि दो फलन गुना में आ जाए जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हाँ तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना होगा, दो गो रहेगा तो एगो को मान लीजिएगा पहला, एगो को मान लीजिएगा दूसरा, ना एगो को मान लीजिएगा पहला और एगो को मान लीजिएगा दूसरा। यदि दो गो फलन गुना में आ जाए तो एगो को पहला मान लेंगे, एगो को दूसरा मान लेंगे, और क्या करेंगे समझिएगा, पहला को बाहर में छोड़ देंगे और दूसरा का डीसी कर देंगे। डीसी माने डिफरेंशिएशन, किसका, दूसरा का, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा को बाहर में छोड़ेंगे, अब पहला का डीसी कर देंगे, यानी दोनों को पारा पारी दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे। माने एक आए कि एगो को बाहर छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, अरे दोनों का एक के बार क्रिया कैसे होगा, आए दूगो एक के बार कैसे क्रिया कर देंगे, एगो को बाहर छोड़ेंगे तो एगो का क्रिया होगा, प्लस का चिन्ह लिख देंगे, फिर एगो को बाहर छोड़ेंगे तो एगो का क्रिया होगा, हो गया। हाँ ये हो गया आपका गुना वाला। और सबसे लास्ट में कि यदि दो फंक्शन भाग में आ जाए, तो भाग में आएगा तो ऊपर वाला अंश होगा, नीचा वाला कथी होगा, हर, ऊपर वाला अंश और नीचा वाला हर, भाग में आएगा तो यही ना होगा, ऊपर वाला फंक्शन को कहेंगे अंश और नीचा वाला फंक्शन को कहेंगे हर। तो कैसे क्रिया करेंगे, कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए हर को बाहर छोड़ देंगे और डीसी कर देंगे किसका, अंश का डीसी, हर को बाहर छोड़ेंगे अंश का डीसी कर देंगे, माइनस अब अंश को बाहर छोड़ देंगे और डीसी कर देंगे किसका, तो हर का डीसी कर देंगे, अब बटा में हर का होल स्क्वायर। एक बार और ठीक से देख लीजिए, यदि दो फंक्शन भाग में आ जाए, ठीक है, जिसको आप आसानी से भाग नहीं कर सकते हैं, तो भाग का नियम लगाना है आपको, भाग के नियम से डिफरेंशिएशन करना है। क्या है भाग का नियम,
तो जो ऊपर में रहता है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे में रहता है उसको क्या कहते हैं, हर। तो करना क्या है, हर को बाहर रखना है और अंश का डीसी कर देना है, माने डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। अब अंश को बाहर रखना है और हर का डीसी कर देना है, अब बटा में हर का होल स्क्वायर लिखना है, बटा में क्या लिखना है, हर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट गुना और भाग वाला अलग से हम आपको बता दिए हैं, मुख्य रूप से आपका ये पांच कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं पांच कॉन्सेप्ट पर हम लोग पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने वाले हैं एकदम आसानी से। हर सवाल में इन्हीं पांचों में से ही डिफरेंशिएशन का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लागू होगा, हर सवाल में यही कॉन्सेप्ट लागू होने वाला है, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। आप हर क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को देखिएगा, कुछ नहीं नया आने वाला है। ठीक है, आप कहिएगा किसको लागू कैसे करेंगे, तो लागू तब करेंगे जब क्वेश्चन में चलेंगे ना, इसलिए क्वेश्चन में चलना पड़ेगा तब नहीं ये लागू होगा। इतना बात सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है? होल पावर वाला रहेगा तो पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि त्रिकोणमितीय फलन रहेगा तो जो कोणांक में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, लॉग वाला रहेगा तो उसके कोणांक में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, ई के पावर वाला रहेगा तो जो पावर में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, और पांच में यानी सबसे फाइनल जिसके सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं यदि वो बट्टा में आ जाए तो क्रिया को क्या कर देना है, रोक देना है। क्रिया को क्या कर देना है, रोक देना है। जैसे एक सवाल मान लीजिए, यहां लिखे y बराबर साइन स्क्वायर x, y बराबर साइन स्क्वायर x। चलिए देखिए, अच्छा ये स्क्वायर किस पर है, तो टोटल पर है, दो तरीके से लिखा हुआ होता है, यहां लिखा लगेगा साइन x स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये टोटल पर स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है सिर्फ x पर। समझ में आ रहा है, आ जब स्क्वायर यहां लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब टोटल पर स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, तो दोनों क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन स्क्वायर x, और कहता है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्या लिखे हैं कि जिसके सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं यदि वो बटा में आ जाए तो क्रिया को रोक देंगे। आइए चलिए समझिए, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको x बटा में दिखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx, एकर काम खत्म, बराबर यहां d साइन स्क्वायर x। देखिए होल पावर वाला है ना, ये होल पावर वाला है ना, तो क्या बोले हैं कि पावर को छोड़ के जो बटा में रहेगा, जो आधार में रहेगा उसी को बटा में उतारिएगा, आधार में है साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स को बट्टा में उतारे। बोलिए, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स बट्टा में दिख रहा है ना, साइन एक्स बट्टा में दिख रहा है, हमको एक्स चाहिए। चलिए, नहीं दिख रहा है, ऊपर ले जाइए इसको, तो हो जाएगा डी साइन एक्स। अब क्या आ गया, तो त्रिकोणमितीय फलन है ना, त्रिकोणमितीय फलन है तो क्या बोले हैं कि जब त्रिकोणमितीय फलन रहेगा तो उसके कोणांक में जो रहेगा उसको उतारिएगा। ठीक है, उसके कोणांक में जो रहेगा उसको उतारिएगा। सबसे पहले हम आपको बोल दिए हैं कि होल पावर वाला जो है सबका बाप है, यदि होल पावर वाला आ गया तो सबसे पहले होल पावर वाला का क्रिया होगा, उसके बाद किसी का क्रिया होगा, तो इसमें होल पावर वाला आ गया था इसलिए सबसे पहले होल पावर वाला का क्रिया, पावर छोड़ देंगे और जो आधार में रहेगा उसको बट्टा में उतारेंगे, अब ऊपर ले जाएंगे, तो ले गए तो क्या हो गया, अब साइन दिख रहा है यहां पर, तो जब त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसके कोणांक में जो रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, तो बट्टा में क्या आ गया, डीएक्स। अब देखिए बट्टा में डीएक्स दिख रहा है, आपका डिफरेंशिएशन हो गया, यहीं पर इसको रोक देना है। बताए थे होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या, तो होल पावर वाला का होता है पावर से गुना कीजिए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिए, अब पावर में से एक कम कर लीजिए, तो पावर में दो है, एक कम करेंगे तो कितना होगा, एक, तो हो जाएगा टू साइन एक्स इन टू। अब यहां देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स, अभी तुरंत लिखे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, ऐसे डिफरेंशिएशन हो गया टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन यहां पर छोटा सा फॉर्मूला है, टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स बराबर होता है साइन टू एक्स, क्या होता है साइन
2x, तो यहां पर लिखेंगे साइन 2x। देख लीजिए क्वेश्चन बन गया आपका। देखिएगा इधर और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है d tan x स्क्वायर, ठीक है, y बराबर tan x स्क्वायर। अब आप समझिए कि यहां पर जो ये पावर है सब पर है कि खाली कोणांक पर है, तो आप कहिएगा कि सब पर ना है, खाली कोणांक पर है, कोई बात नहीं है। तो जब होल पावर वाला नहीं है और इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर d tan हां x स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा, अभी बटा में क्या उतारेंगे, अब सोचिए कि यदि यह होल पावर वाला रहता तो पावर छोड़ के उतारते, लेकिन नहीं है तो क्या बोले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक उतारना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक उतारना है, तो उतारिए डी एक्स स्क्वायर, हमको बटा में चाहिए डी एक्स, एक्स स्क्वायर है, काम नहीं चलेगा, ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां होल पावर वाला हो गया, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स के पावर दो है माने होल पावर में दो है, तो होल पावर वाला आ गया, क्या करेंगे पावर छोड़कर जो आधार में रहेंगे उसको बटा में उतारेंगे, तो बटा में डी एक्स आ गया, नहीं बटा में डीएक्स आ गया, हमारा मंजिल मिल गया, हमें डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। यह हो जाएगा इसका टेन का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर, जो कोणांक में है उसको ज्यों कहते हो, कोई परिवर्तन नहीं, हाँ इन टू एक्स स्क्वायर, ये तो होल पावर वाला है ना, तो पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों कहते हो लिखेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, यानी इसका हो जाएगा आपका टू एक्स इन टू में sec x स्क्वायर। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना, हाँ तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। और भी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसमें तो कुछ हम कचरा कर दिए हैं, इसको मिटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं, और आपको क्या करना है कि ये पांच कॉन्सेप्ट और ये दो कॉन्सेप्ट इधर वाला लिख लेना है, और यदि लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं, हमको लगता है कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ना हम आपको समझा दिए हैं कि आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा कि क्या क्या बोले हैं, बाप रे बाप, एकदम हवाई जहाज चल गई हो मोटरसाइकिल के, हाँ जैसे हवाई जहाज एकदम औरने पर हाथ धके लगता है कि एकदम। देखो यार होल पावर वाला रहेगा, पावर छोड़कर जो आधार में रहेगा बटन उतारेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा कोणांक वाला उतारेंगे, लॉग वाला रहेगा कोणांक वाला उतारेंगे, ई के पावर वाला रहेगा तो पावर में जो रहेगा उसी को उतारेंगे, और जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यदि बटा में वो आ गया तो डिफरेंशिएशन की क्रिया को रोक देंगे, यानी डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपके पास है, अब क्वेश्चन का धुआं छोड़ाना बच गया है, एकदम क्वेश्चन को रगड़ना बच गया है, क्वेश्चन को बर्बाद करना बच गया है, अब यही होगा। ठीक ना, शुरू करें क्या, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, यह सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है वाई बराबर रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, तो डीवाई बटा डीएक्स का मान क्या होगा। देखिए यहां पर डीवाई बटा डीएक्स यानी बटा में क्या है एक्स ना, तो इसका मतलब है कि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। अब देखिए इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, आप लोग जैसा पढ़ा लिखा जो लोग होगा, आप लोग जैसा पढ़ा लिखा जो इंसान होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, और हम लोग जैसा जो जोगाड़ू लोग होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, अभी देखिएगा। देखिए पढ़ा लिखा लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कहेंगे वाई बराबर रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स है ना, हाँ ठीक है, तो पहले लिखिए वाई बराबर रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, गौर कीजिएगा इधर इसका एक के जगह पर फॉर्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू इन टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, चलिए तो y बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नहीं स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा,
तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू। वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू, यही होगा ना। एक बार देख लीजिए ठीक से, देखिए अब क्या करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डीवाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन एक्स बाई टू और प्लस, हाँ अब एक चीज देखिएगा, यहां तो एक्स बाई टू हो गया, हमको क्या चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, तो इसके कोणांक में जो है उसको बटा में उतारना है, तो कोणांक में क्या है एक्स बाई टू, और जबकि हमारा बटा में चाहिए था एक्स, यहाँ बटा में है एक्स बाई टू, नहीं ना आया, एक बार और ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा डी एक्स बाई टू, अब बटा में आ जाएगा डी एक्स, ठीक है, अब प्लस इसी तरीके से कॉस डी कॉस एक्स बाई टू, अब बटा में क्या आ जाएगा बाबू, तो डी एक्स बाई टू, फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा डी एक्स बाई टू और बटा में क्या, तो डी एक्स, ठीक है। देखिएगा यानी हो जाएगा डीवाई बटा डी एक्स बराबर कितना, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, कोणांक में जो है उसको ज्यों कहते हैं इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना था एक बटा दो कॉन्स्टेंट है, हाँ याद रखिएगा हमेशा कॉन्स्टेंट को बाहर करके डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बटा दो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर कर दीजिएगा तो हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स, नहीं और डी एक्स बटा डी एक्स का मान एक के बराबर होता है, अभी हम लोग देखेंगे। अब प्लस यहाँ कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स बाई टू इन टू, यहाँ देखिए वन बाई टू को बाहर करेंगे तो डी एक्स बटा डी एक्स, वन बाई टू को बाहर करेंगे तो क्या होगा डी एक्स बटा डी एक्स, यानी हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स बाई टू इन टू में एक बटा दो, क्योंकि डी एक्स बटा डी एक्स का मान एक के बराबर, अब माइनस साइन एक्स बाई टू इन टू हो जाएगा एक बट्टा दो, यहां से एक बट्टा दो कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका वन बाई टू कॉमन लेंगे तो कितना कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो आप लोग जैसा जो पढ़ा लिखा लोग होगा ऐसे बनाएगा इस क्वेश्चन को, हमारा जैसे जो जोगारू लोग होगा वो कैसे बनाएगा क्वेश्चन को देखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ठीक ना, और आप एग्जाम में दोनों तरीके से बनाइएगा ना, दोनों तरीका बिल्कुल सही है, ये भी सही है और हम जो जोगारू मेथड बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। अब उसको देखिएगा इसके बाद मिटा इसको क्या, नहीं नहीं उसको हम इधर से लिख सकते हैं, देखिए क्या है यह हमारा जोगारू मेथड है, यह है जोगारू मेथड जो अभी आपको बताए हम ना, देखिए कैसे बनेगा वाई बराबर रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, अब बराबर डी रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, सुनिए अच्छा रूट अंडर वन प्लस एक्स इसका क्या मतलब है कि रूट का मतलब होता है कि होल पावर, रूट का मतलब होता है होल पावर में एक बटा दो, तो रूट लगल है इसका मतलब समझिए कि होल पावर वाला है ना, रूट लगल है इसका मतलब समझना है कि फंक्शन क्या है होल पावर वाला है, तो ये फंक्शन है होल पावर वाला, या आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि जब फंक्शन रूट के अंदर में रहेगा तो जो फंक्शन रूट के अंदर में रहेगा उसी को बटा में उतारना है, तो रूट के अंदर में क्या है वन प्लस साइन एक्स, इसलिए बटा में उतारेंगे वन प्लस साइन एक्स, बटा में क्या उतारेंगे वन प्लस साइन एक्स, जबकि बटा में हमको डी एक्स चाहिए, नहीं आया ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा डी वन प्लस साइन एक्स, अब आ गया बटा में क्या डी एक्स, चेक करो देखिएगा, और रूट वाला का डिफरेंशिएशन नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा डी रूट अंडर एक्स बटा में डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा में टू, आई रहेगा जो उसको ज्यो कहते हूं ना, वन बटा में टू ज्यो कहते हूं, वन बटा में टू ज्यो कहते हूं, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा में टू ज्यो कहते हूं, जो रहेगा उसको ज्यो कहते हूं, तो है क्या रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, तो वन प्लस साइन एक्स,
ठीक है, इनटू में देखिएगा, यहां देखिए एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, एक का डिफरेंशिएशन जीरो, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस कॉस एक्स ना, यानी जीरो में कॉस एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में हो गया कॉस एक्स, और बटा में हो गया आपका टू इंटू रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, टू इंटू वन प्लस साइन एक्स, देख लीजिए। तो जोगारू तरीके से बनाइएगा तो ऐसे बना लीजिए क्वेश्चन को, अतनी पढ़ल लिखल वाला क्वेश्चन बनाइएगा तो ऐसे बनाइए, लेकिन दोनों सेम है, दोनों से आपको उतना ही नंबर मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि जोगारू है तो इसमें नंबर काट देगा, कैसे काट देगा, कॉन्सेप्ट लीजिए ना, नंबर कैसे काट देगा, ठीक है। हाँ, तो ये तो इसका छोटा सा ट्रेलर था, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, और कल से आप लोग के लिए जो है दो अंक स्तरीय और पांच अंक स्तरीय क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।